हमारे साथ अजय किड़िया मौजूद हैं फोन लाइन पर। अजय, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें आज, सबसे पहले तो सोने से शुरुआत करिए। गोल्ड में हमने देखा गिरावट आई, डॉलर में जो तेजी दिखी उसकी वजह से यहाँ से आप बिकवाली करने की सलाह देंगे या फिर करेक्शन और गहरा सकता है? डेफिनेटली जिस दिन से डॉलर इंडेक्स में वापस बैठे अपडेट के बाद जंप किया, लेकिन अभी भी 102 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। कल के सेशन में हमने सोने में गिरावट आते हुए देख लिया। टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करेगा। डोमेस्टिक मार्केट पे 59,000 से 59,800 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो कल की गिरावट के बाद आज थोड़ा सा मार्केट पुश होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आज के लिए 59,250 पे एंसर जो लेके चलना चाहिए, 59,000 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। लिमिटेड अपसाइड है जो 59,650 तक का लेवल दिखाने का, क्योंकि रुपए में जो गिरावट आ रही है उसका डोमेस्टिक गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। चांदी की बात करें तो बेस मेटल में हमने कल नोट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नंबर के बाद गिरावट देखी है, बट ओवरऑल चांदी में भी कल गिरावट के बाद अब एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 73,800 पे लेना है, 73,200 का छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, 74,500 तक का टारगेट हम चांदी में देख पाएंगे। और अजय जाना चाहेंगे क्रूड और बेस मेटल पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल पूजा जी, अगर कच्चे तेल की बात करें तो टेक्निकली मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट जरूर है। जिस दिन से अगस्त और सितंबर में आउटपुट कट होगा ओपेक प्लस से, जिसका सपोर्ट पूरी तरह से मिल रहा है, उम्मीद है कि ओपेक की आज कल की मीट में, ये वीक की मीट में कहीं ना कहीं और प्रोडक्शन कट की बात हो सकती है, जिसके चलते प्राइजेस को अपलिफ्ट कंटिन्यू मिलेगा। तो आज के लिए 66-80 पे लेके चलिए, 65-50 का स्टॉप लॉस रखिए, 6,800 का टारगेट रहेगा। वहीं पूरे बेस मेटल की बात करें तो हमने जैसे लास्ट वीक कहा था कॉपर और जिंक में जबरदस्त तेजी मिल सकती है, तो ऑलरेडी हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी। नोट ऑफ कल हमने चाइना से, यूएस से मैन्युफैक्चरिंग के नंबर आते हुए देखे, उनमें थोड़ी बहुत गिरावट आते हुए देखी, जिसकी वजह से करेक्शन आया था, बट ये करेक्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। तो कॉपर को 744 में लेके चलिए, 740 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट 750 है, बट मंथ एंड तक की अगर बात करें तो 770 तक का भी लेवल कॉपर में दिखा देगा। वहीं लास्ट में अगर जिंक की बात करें तो 226 में बाय करते चलिए, 224 के स्टॉप लॉस से 229 का टारगेट रहेगा। इन्वेंट्री प्रोडक्शन को लेकर कुछ कंसर्न्स है जो प्राइसेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो कॉपर जिंक में खरीदारी करने की राय, कच्चे तेल में भी आप खरीदारी कर सकते हैं, गोल्ड और सिल्वर में भी तेजी करने की राय यहाँ पर अजय की तरफ से। अजय, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो कमोडिटी मार्केट में हर एक स्पेस में हम देख रहे हैं आज तेजी का ही नजरिया बन रहा है, लेकिन अब वापस आते हैं इक्विटी मार्केट पर और यहाँ पर क्या कुछ ट्रेडिंग कॉल्स हमें मिल रही हैं, उसमें हेमंत से जब हमारी सुबह बात हुई तो उन्होंने UPL और IEX में खरीदारी करने की राय दी थी। उसके अलावा एंजल वन की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला है वोल्टास, आज भी आप तेजी करके चल सकते हैं। लगातार यहाँ पर एनालिस्ट की नज़र बनी हुई है, 823 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 777 का, और टाटा पावर भी इनको अच्छा लग रहा है, 254 का टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाइए 236 का। आगे बढ़ते हैं और रेलिगेयर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला है ग्रैनुल्स, तेजी की राय दे रहे हैं यहाँ पर, 344 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 317 का। और टाटा स्टील में भी आप नज़र रखिए, आज जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले अजय बता भी रहे थे कि मेटल स्पेस में तेजी बन आगे भी जारी रह सकती है, तो टाटा स्टील में भी तेजी देखने का अनुमान है, 129 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 120 का। तो जितने भी कॉल्स हमने अभी डिस्कस किए सभी में तेजी की राय निकल कर आ रही है।